आज पर टीवी और मैं हूँ आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। खबर अयोध्या से है, जो स्कूल से वापस घर लौट रही छात्रा की रास्ता को रोककर दबंग युवकों ने उसकी पिटाई कर दी। साइकिल रोककर थप्पड़ से दबंग द्वारा छात्रा की पिटाई करते और गाली गलौज करते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां वीडियो की पड़ताल कर अयोध्या पुलिस ने गत दिनों संबंधित घटना की पुष्टि की है। वायरल वीडियो के कैमरे में कैद दबंग सूरज नामक युवक जनपद के कुमारगंज थाने क्षेत्र अंतर्गत पिठला गाँव का रहने वाला है। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीम गठित की है। छात्रा से मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में छेड़खानी और पॉस्को एक्ट के तहत कुमारगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। एक नाबालिग समेत दो गिरफ्तार किए गए। अयोध्या पुलिस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। वही मेरठ में धर्मांतरण होने पर अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास और संत समाज ने घोर निंदा की। सरकार से आग्रह किया कि आए दिन जो आमंत्रण हो रहे हैं इस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि मेरठ में 400 लोगों का धर्मांतरण ईसाइयों द्वारा किया जा चुका है और पैसे की लालच देकर ये बिल्कुल निंदनीय है और इसका अयोध्या का साधु संत घोर निंदा करता है। सरकार इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर इसकी जांच करे। वही हनुमानगढ़ी के राजू महंत दास ने कहा कि इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और धर्मांतरण को रोका जाए। आज मेरठ में 400 लोगों का एक साथ धर्मांतरण ईसाई मिशनरियों के द्वारा, ये दुखद है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि कार्रवाई तो हुई है लेकिन इसकी बाकायदे जांच हो। उत्तर प्रदेश में लगातार धर्मांतरण के साथ साथ पूरे देश में इस प्रकार से ईसाई मिशनरियों द्वारा धन का लालच देकर स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा के नाम पर घर में बैठना और बैठने के बाद उसको शुद्ध रूप से धन का लालच देकर बरगला कर और धर्मांतरण करना, ये दुखद है। लगातार तेजी से घटना बढ़ रही है और धर्मांतरण करने के बाद स्थिति क्या होती है कि जो एससी कास्ट के लोग हैं वो डराते हैं, अगर किसी ने आवाज उठाई तो मैं इसमें फंसा दूंगा, तो ऐसे लोग, आवाज उठाने वाले भी जो लोग हैं वो डर जाते हैं। इसके नाते इस पर सरकार को गंभीरता पूर्वक कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो जिस प्रकार से लगातार ईसाई मिशनरियों के द्वारा धन के लालच और झांसा देकर धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा है, यह ठीक नहीं है पूरे देश और प्रदेश के लिए। गति अवरोध बनाने पर विवाद। गांव में मनवर लोगों ने वायुसेना के रिटायर्ड अफसर को पीट दिया। वायुसेना के रिटायर्ड अफसर ने जिसकी एसएसपी की और न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि ये मामला कहीं और का नहीं, वही बता दें हैदरगंज क्षेत्र के अमीलिया गांव का है, जहां गति अवरोधक बनाए जाने से गांव के नाराज लोगों ने वायुसेना के सेवानिवृत्त वारंट अफसर बालकृष्ण दुबे पर हमला कर दिया। रिटायर्ड अफसर बालकृष्ण दुबे ने इसकी शिकायत एसएसपी से की है। तो वही दुबे ने बताया कि उनके घर के सामने तेज रफ्तार से वाहन आवागमन करते हैं, बच्चे बाहर खेलते हैं, ऐसे में हादसे से बचाव के लिए घर के सामने गति अवरोधक बनाया गया है, जिससे नाराज गांव के लोगों ने 26 अक्टूबर को उन पर हमला कर दिया। वे हमला करने वालों की पहचान वो विवरण का उल्लेख एसएसपी को सौंप दिया गया है और प्रार्थना पत्र में भी इसका उल्लेख किया गया। रिटायर्ड अफसर बालकृष्ण दुबे ने बताया कि गांव के 4 लोगों ने उसे जान से मारने की नियत से पीट दिया था और उससे काफी चोटें भी आई, जिसकी शिकायत लेकर थाने पर गए, लेकिन थाने पर कोई सुनवाई नहीं की गई और ना ही प्रार्थना पत्र लिया गया, जिसके बाद एसएसपी दफ्तर जाना पड़ा और वहां पर अपनी तहरीर दी गई। रात को 9 बजे सुबेदार सिंह, अमित दुबे, मंटू पांडे और आकाश सिंह तीनों आए और 4 लोग एक साथ आए और मैं घर में अपने बैठा था, न्योता खा के आया था 9 बजे और ये लोग मुझे स्पीड ब्रेकर की बात को लेकर जो है घसीट के मारने लगे और वहाँ मैं घर में अकेला था और ये मारते मारते मैं बाहर भी घसीटे। जब मैं बाहर चिल्लाया तो मेरे गले में एक सिकड़ी भी थी सोने की, उसको भी लोग छीने और जो है वहाँ भाग गए, बोले अगर थाने में जाओगे तो मार दूंगा जान से। उसके बाद हमने 100 नंबर पर 112 फ़ोन किया, पुलिस भी आई, इनके साथ जो है 4-5 सिपाही दरोगा थे, एक इंस्पेक्टर पटेल थे, एक जो है के यादव इनके मित्र हैं सिपाही, रोज इनके साथ शराब पीते बैठ के, वो खुद घटनास्थल पे पहुंचे, वहां जाकर के बोले हमारे घर तो आए, हमसे हमदर्दी दिखाए, उसके बाद घटनास्थल जा गाली दे रहे किस मादर चोद ने उसको बनाया वीडियो को। ये पुलिस की भाषा अन पाल लिया मेंटी लंगेज यूजिंग, ये पुलिस की भाषा होनी नहीं चाहिए। उसके बाद मैं थाने गया,
तो FIR बोल रहे हैं इसमें मैं घर में मारपीट और सिकड़ी मत दिखाइए, कहीं सड़क पे दिखा देते हैं और आप जो है क्यों ज्यादा मामला बढ़ा रहे हैं। हमने कहा हमें बहुत चोटें आई, मैं खड़ा नहीं हूँ। कहाँ कहाँ चोट लगी है? हमारे पैर में जो है मेडिकल हम कराए हैं, यहाँ एक घुटनों में स्वेलिंग है, यहाँ दो जगह हमें फ्रैक्चर की आशंका है और ये हमारा पूरा बहुत दर्द कर रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, जा रहा हूँ फैजाबाद अभी, एक तो मैं पहले कुबड़ी खरीदूँ। तो कितने बजे की घटना अंकल लिए? ये 9 बजे। हाँ, तो आप थाने पर गए थे? हम थाने पर गए थे, वहाँ एक सिपाही बैठे थे। हाँ। यशो का फोन आया मेरे पास, बोले कि आप जो है थाने पर आ जाइए, एप्लीकेशन दीजिए, मैंने एक तहरीर बनाई जो है। अयोध्या विधानसभा बीकापुर सोहावल ब्लॉक के कई ग्राम सभाओं में जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ रामलीला का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ। जिला पंचायत प्रतिनिधि अजय रावत आयोजन करते रहते हैं और धर्म धार्मिक कार्यों का शुभारंभ क्षेत्र में इतने लोगों को आशा देते रहते हैं कि यदि कोई सुख दुख पड़ता है तो उसमें शामिल रहते हैं। बता दें कि अजय रावत की पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं और एक गरीब घर से आती हैं। वही आज जिला पंचायत पद पर पहुंचे हैं और लोगों ने बताया कि हर गरीब की मदद करने के लिए वो पहुंच जाते हैं। जिला पंचायत प्रतिनिधि अजय रावत अयोध्या में धार्मिक कार्यों में बराबर सहयोग देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सोहावल ब्लॉक के पवित्र ग्राम सभा में जो रामलीला का आयोजन कराया गया है और रामलीला के कमेटी के सदस्य और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हम लोगों के साथी भाई भाई नकुल देवी जी और देखे भाई सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो रामलीला में कार्यक्रम कराया जा रहा है इससे लोगों को गांव घर के परिवार को सीखने का तो मतलब सीखने का मौका मिलता है। आज जो हमारे सामने हमारी माताएं हमारी बहनें बैठी हैं और हमारे नौजवान साथियों पिता पूर्वी लोग बैठे हैं, यहाँ तो कुछ ना कुछ लोग सीख के जाते हैं। देश की पूर्व प्रधानमंत्री और आयरन लेडी के नाम से मशहूर स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 38वीं पुण्यतिथि आज नेहरू गांधी खानदान के पैतृक आवास आनंद भवन में श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के साथ ही कांग्रेस जनों ने आनंद भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कांग्रेस जनों ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी के त्याग और बलिदान को याद करते हुए उनके बताए गए मार्ग पर चलने का भी संकल्प लिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य शेखर बहुगुणा ने कहा कि आयरन लेडी के नाम से मशहूर स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है और कांग्रेस ही इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे। किस तरह नमन किया गया? आज हम लोग इंदिरा जी के बलिदान को यहाँ पर याद करने के लिए आए हुए हैं और इंदिरा जी ने जो पूरे विश्व में भारत का जो मान बढ़ाया और इंदिरा जी के किए गए कार्यों को लेकर के आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि उनके कार्यों को उनके दिखाए हुए रास्तों को आगे कांग्रेस पार्टी बढ़ाती रहेगी। आज हम लोग वल्लभ भाई पटेल की भी जयंती पर उनको जो है सशक्त नमन करते हैं। देश के पहले गृह मंत्री भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज मनाई गई है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में इन्हें श्रद्धा पूर्वक जयंती मनाई गई। इस मौके पर जिला पंचायत सभागार में राष्ट्रीय एकता दिवस का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कि बतौर मुख्य अतिथि फूलपुर से बीजेपी सांसद केसरी देवी पटेल ने शिरकत की। उन्होंने सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। बीजेपी सांसद ने इस मौके पर लोगों को राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्य रखने की शपथ दिलाई। इस मौके पर सभागार के बाहर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन पर आधारित अभिलेख और चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई थी जिसका लोगों ने अवलोकन किया। राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में देश की आजादी के साथ ही आजाद भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में राज्यों का संघ में विलय को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद किया गया। तो इस मौके पर सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तक कभी बीजेपी सांसद केसरी देवी पटेल ने विमोचन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर संगम नगरी प्रयागराज में सरदार वल्लभ भाई पटेल को संस्थान और लोपी बाग समेत कई अन्य जगहों पर कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और हमें लगता है इस जयंती को एक जिस तरह लोग अपना दीपावली दशहरा मनाते हैं उस तरह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई की जयंती मनाई जाती है
और उनके विचारों को आत्मसात करने के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी को एक संदेश देती रहेगी कि लव पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों को तोड़कर एक किया है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो शायद धारा 370 35 से हटाने की आवश्यकता न पड़ती, आज देश एक झंडा एक निशान एक संविधान के रूप में होता। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली के दौरे पर रहेंगे, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री के आने की तैयारियां बरेली में जोरों शोरों से शुरू हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई अहम मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।